तेरो लाला है ना माखन खा के तो सीमित हुए कछु हम जब कटकट जाए ना तुम्हारी इंद्रिन को लेके भागा है नदी बेच के जाए ना तो बटकी को फोड़ दे गए में बारी बारी को ना दही के साथ माखन के साथ सारी की सारी भीग जाए बेचारी बाको मुंह माखन की दही में कपड़े लेकर जाए ऐसो हाल कर दे तेरे को नहीं है। अब अगर माखन खा ले तो कोई बात ना सारा माखन फैला दे दल और बैठा दे हमको यहाँ बैठ जाओ हमें पहले खा लेने तो जब यही कहीं भी कहीं बड़ा सुंदर था सुंदरी यशोदा मैया कन्हैया पनघट में अटक गयो री सुंदरी यशोदा मैया I'm gonna make it.
Thank you.
बेचारी चुपचाप खड़ी है। एक बात बताओ, हमारो कन्हैया तुम्हारे घर ही गयो? मुझे तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है ये गोपियां है ना, तुम कुछ समझदार सी लग रही हो, और ये गोपियां है ना ये तो ऐसे ही लड़कपन बालपन ये ऐसे ही कुछ कह सकते, तुम ही बताओ सांची बात क्या है, क्या ऐसे ही करता है कन्हैया? वो कहने लगी हमें मत पूछो। क्यों? क्योंकि हमें तो बताने में शर्म आवे कि ये कहा करे। और यशोदा मैया ने कहा जब इन बुढ़ी को बताने में शर्म आ रही है तो फिर तो कुछ मामला गड़बड़ ही। अच्छा बैंक पर आओ, कहा बात है भी तुम्हारे साथ में, कहा करती हो तुम्हारे साथ किसने? अब तो देखिए गोपी कहने लगी, वो वृद्ध गोपी थी जो बूढ़ी भी नहीं थी जवान भी नहीं थी, उसने कहा सुनो भैया बताए हम तुम्हारे लाला ने हमारे साथ काम करो। हाँ कहा करो बताओ। और तो कहने लगी एक दिन की बात थी भैया, मैं चौका लगा रही थी। क्या लगा रही थी? चौका। सवेरे सवेरे की बात चौका लगा रही थी, तुम्हारे कन्हैया न जाने कहाँ से आए, और कन्हैया
आकर के ना हमारे पास में खड़े हो गए और हमसे कहने लगे भाभी। मैंने कहा हाँ लाला जी, ये बताओ कहाँ कर रही हो। मैंने कहा चौका लगा रही हो, लेकिन चौका काहे को लगा रही हो। मैंने कहा देखो लाला जी, हमारे यहाँ पर था सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, आज सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और पंडित जी आप भी होंगे, कथा कराऊंगी। लेकिन एक बात सुनो, तुम भी कथा सुनने के नहीं आई हो अपनी मैया यशोदा रानी को लेके। हमसे कहने लगे हाँ भाभी जरूर लाएंगे, लेकिन एक बात तो बताओ पंडित जी कथा कहाँ पढ़ेंगे आकर के, आसन कहाँ लगाया है भगवान जी का। और उसने कहा मैंने बता दिया वहां पर आपने, मैं पक्का है गंगा जल से पहुंच दिया है, पोछा लगा दिया है, पवित्र कर दिया है, वही सिंहासन लगा दिया है, थोड़ा सा कार्य रह गया था मैं इसे पूरा कर रही थी, बस पंडित जी आते होंगे, तुम जल्दी से चले जाओ भैया को बुला लाओ। और मैं उसे कहने लगी हाँ मैं भाग करके जाऊंगा और भैया को बुला लाऊंगा, चिंता मत करो तुम। लेकिन मैं तो चौका लगाने में लग गई नहीं हूँ। फिर कहा भयो आगे, यशोदा मैया ने कहा भयो मैं चौका लगाने में लग गई मैया, न जाने कहां से कूद करके मेरे घर में घुस गए। और सुनो घर में घुस करके ना जहां मेरे ठाकुर जी की चौकी लगी थी ना मैया, उन ठाकुर जी को चौकी से नीचे लुढ़का दियो। और ठाकुर जी को चौकी से नीचे लुढ़का के सेम आसन लगा करके चौकी पर बैठ गए और कहने लगे सुनो भाभी, मैंने देखो अंदर घर में से आवाज, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं भाग करके गई और देखो मैंने जाके तो चौकी पर बैठे और मेरे ठाकुर के नीचे लुढ़के पड़े। मैंने मुझसे कहने लगे एकदम सच्चे सत्य नारायण भगवान को दर्शन करो, सच्चे सत्य नारायण भगवान को दर्शन करो। और मुझे तो गुस्सा आने लगा, हम बताओ मेरे भगवान जी नीचे पड़े हैं, तुम्हारे लाला तो ऊपर बैठे हैं। मैंने हाथ पकड़ के तुम्हें सब धमका दो, जाओ यहाँ से, हमारे घर आने की जरूरत ना तुम, ऐसी शैतानी करो। मैया चुपचाप तो है गए, लेकिन हमसे आके निकाल के कहने लगे अब तुम्हें को देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ देख लियो जाओ। और वादे तो चले आए हैं, लेकिन मैया पूरे दिन मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, पूरे दिन साधुओं को भोजन भी कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, सभी मैयाएं भोजन करके गई और सब भोजन करके गए, लेकिन इंतजार करती रही कन्हैया नहीं आए। मैं तो वैसे ही रूठ गए, आ जाएंगे यह कहां मानने वाले, नहीं आई और थक गए। मैया ब्राह्मणों का भोजन, उनकी झूठी पत्तले उठाकर रखना, व्यवस्थाएं देखना, थक तो जाए ना, कोई फंक्शन घर में वो परीक्षा तुम्हारा थक जाते हैं ना, है नींद कैसी आती है, ऐसी आ जाए बिना हो रही। और कहने लगी देखो भैया फिर हम हमारे पति और हम है ना दोनों सो गए, और सो गए तो ऐसी गहरी नींद आ गई पता ही नहीं। अब सुनो भैया रात्रि के 12 बजे कहां से तुम्हारे लाला आ गए, और पता है क्या भैया मेरी लंबी चुटिया और मेरे पति की लंबी दाढ़ी को पकड़ के ऐसे गांठ लगा गया और रात्रि के 1:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी, और जैसे प्यास लगी वो जल पीने के लिए खटिया से खड़े होकर के गए, और जब खटिया से खड़े होकर के जैसे वो गए तो जहां तक मेरी लंबी चुटिया चलती रही वहां तक तो जाते रहे, और जैसे चुटिया का चलना बंद हुआ एकदम से खींच गए, और जब खींचे तो मेरी चुटिया थी। अब मैंने अपनी चुटिया को पकड़ा, कौन खींच रहा है, और जैसे पकड़ा झटका लगाया और उनकी दाढ़ी खींची, जब उनकी दाढ़ी खींची ना तो वो कहने लगे कहां कर रही हो। अंधेरे में पता भी ना चल पा रही कौन क्या कर रहा है, और वो कहे कि कहां कर रही हो, मैं इधर से तुम कहां कर रही हो। मैया जैसे जैसे दीपक जला करके देखा तो इतनी कड़ी गांठ चुटिया में दाढ़ी की, मेरी मेरे पति के 25% बाल दाढ़ी के वाई तीजा पानी में झड़ गए। यशोदा मैया से कहने लगी देखो ऐसा ऐसा काम करें तुम्हारे लाला। अब बूढ़ी यशोदा मैया अपने साड़ी को पल्लू मुंह पर रख करके हंस रही है, कोई कौतूहल बात है या ना, मौसी भैया देखे ना मुंह पर साड़ी रख लें और फिर हंसती रहे, पकड़ ना पड़े। आप देख रही है बताओ, 1:30 बजे बोला था
इतने इतने कौतूहल कर हम नहीं मानी क्यों रे कन्हैया साथी साथी बात है ना ये सही बात है। मैया यशोदा से भगवान कहने लगे यार देखो भैया हमारा कोई कसूर ना है बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है हमारा। अब कसूर की बात रहे ना तो कसूर तो ही नहीं हुआ हाँ कसूर है इनको। जब मैं अपने घर से जाऊं ना मैं तो अपने सखंड के साथ ही जाऊंगा लेकिन ये बीच में क्या करे किवाड़ से खड़े होकर के झाला दे दिए आप और भैया आपको झाला दे करके ना बुला लेती है मुझको और बुला करके ना पता है फिर अपने घर को काम करवाती है ये भैया और फिर अपने घर को काम करवाते करवाते ना मुझे बहुत देर रह जाए माकर को बहाना करते करते अपने घर को काम करवाने लगे और काम करते करते ना फिर माखन भी ना मिले भैया और माखन भी ना मिले तो मुझे गुस्सा आ बड़ा सुंदर काम करूंगा। मैया जब मैं घर से चलूं बुलाने वाले ने घर में वो भैया जब मैं घर से चलूं बुलाने वाले ने घर में वो वाले ने घर में वो बुलाने वाले ने घर में वो भैया जब मैं घर से चलूं बुलाने वाले ने घर में वो भैया घर से तो मुझे बता रहे हैं उनकी काम प्रणाली क्या है बताए बड़ा सुंदर अचक हाथ को झालो देके अचक हाथ को झालो देके मेरो एक गुटारिश तो मेरे लिए का बराबरी मैं तो अपने सखन के ताई जाऊंगा खेलने ताई और बीच में क्या करा ना दीवार के बीच खड़ी है कि ऐसे झालो दे में आप देखे कौन है ये देखने को नहीं जाते और जैसे ही गाय ना देख ले हाथ पकड़ के घर में भीतर खींच ले अचक हाथ को Yeah.
कोठरिया ऊटी सी जाती राम कोठरिया रे ऊटी सी जाती राम कोठरिया ऊटी सी जाती राम कोठरिया Yeah.